हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये जो दिन है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी नई कार में पहला लंबा सफ़र तय करने जा रही हूँ। जी हाँ गाइस, आज का ये सफ़र भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे, तो इसलिए मैं अपने बाल गोपाल को भी संग लेके जा रही हूँ। तो चलिए घर को लॉक कर देते हैं, क्योंकि नीचे सभी मेरा वेट कर रहे हैं और सारा सामान भी नीचे कार में जा चुका है। तो फिर चलिए जल्दी से कार की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कार हमारी बाहर निकल रही है। तो ये जो सफ़र है ये काफ़ी लंबा होने वाला है, और इस सफ़र में बीच बीच में जो भी नई नई चीज़ें पड़ेंगी वो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप इस ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए करते हैं हम अपने सफ़र की शुरुआत, और आगे हम अपने बाल गोपाल को भी ठाल लेंगे ताकि उनकी कृपा हम पे बनी रहे और ये सफ़र हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा रहे। बताओ कहाँ जा रही हो? आज हम जा रहे हैं बाजारे और बाबू हाँ तो बहुत करेंगे सुबह बहुत क्या किसी जीवियस एक्साइटमेंट अच्छा लग रहा है ना घर जाते हुए। तो जी हाँ गाइस, मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल अपनी नई कार को लेके, और बहुत ही अच्छा लग रहा है अपनी कार में सफ़र करते हुए। तो इस सफ़र को आप देखते रहिए। रानी हाँ। क्या खा रही है? ग्रेप्स। अच्छा, तो लगभग 3 घंटे के सफ़र करने के बाद हम लोग एक जगह रुके हैं ताकि कुछ थोड़ा बहुत खा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं घर का ही सब लेके आई हूँ, घर से बना के, और बाहर से कुछ भी हमें लेके खाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना के लेके आई हूँ सैंडविच, तो मैं सैंडविच इंजॉय कर रही हूँ। और आज जो है वो घर जाने की बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही है, और बहुत लग रहा है कि जल्दी से बस हम लोग घर पहुँच जाएँ, क्योंकि आज हम नई अपनी कार को लेके जा रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो घर में सब लोग हैं उनका रिएक्शन कैसा होगा नई कार को देखकर, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक उन्हें बताया नहीं है कि हम अपनी कार से आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। बहुत जल्दी है पापा। कैसा बना है सैंडविच बताया नहीं आपने? बढ़िया कैसा लग रहा है रानी सैंडविच? इतना अच्छी इतना अच्छा कि मेरा मन करा पूरा ही खा लूं। तो लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद अब हम एक जगह रुके हुए हैं। तो ये जो गंगा जी हैं ये रास्ते में ही पड़ती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ रुक के थोड़ा सा ब्लॉग बनाया जाए। और ये जगह बहुत ही बढ़िया है, तो इसलिए कि आप लोग भी गंगा जी के दर्शन कर सको। और वैसे हम जब भी जाते हैं तो हमेशा ही बस में से ही दर्शन कर लेते हैं, कभी पास से इतना दर्शन नहीं करे उनके। तो अब अपनी कार में है तो रुक के हमने फिर यहाँ पर इनके दर्शन किए। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही शांति है, और
पानी आप देख ही सकते हैं कि कितना तेज़ बहाव है, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो चलिए फिर अब हम सफ़र फिर से शुरू करते हैं। तो सफ़र काफ़ी लंबा हो गया है और आप देख सकते हैं कि ड्राइवर गायब है और अभी हम पीने वाले हैं एक एक कप चाय, तो उससे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चाय आने वाली है और चाय पीके फिर हम यहाँ से चलेंगे। थक गई क्या? थक गई हो? अच्छा, गाड़ी में बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। और कहाँ जा रही हो आप? अभी के घर। तो गाइस सफ़र तो वैसे काफ़ी लंबा हो गया है पर इतनी थकान नहीं है जितनी की हो जाती थी पहले। जब हम बस में आते थे तो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती थी और संग में तासु है तो उतना ज़्यादा हम लोगों को परेशानी भी नहीं हो रही है क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। तो अभी भी उसका एक सॉन्ग चल रहा है जो भी उसके स्कूल में करेंट में सिखाया गया था, बस वही दिन भर गाती रहती है। तो अभी वो भी गा रही है तो आप लोग भी उस सॉन्ग को सुनिए और इन्जॉय करिए। सारे जहां से अच्छा आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी। तो आ गई है यहाँ पे चाय और अब हम चाय पियेंगे और ये भी चाय पी रहे हैं। तो गाइस चाय मैंने पी ली है, कुल्लड़ वाली जो चाय थी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो चाय पीने के बाद हम फिर से ऐसा लगने लगा कि फ्रेश हो गए हैं और घर जाने की फिर से जल्दी होने लगी है। तो सफ़र को शुरू करते हैं और आप देख ही सकते हैं कि अब अंधेरा भी होने लगा है, लगभग 6 o'clock इस समय तक हो चुके थे और अभी हमको 2 घंटे और लग जाएंगे। फाइनली इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी देखिए यहाँ पे मिठाई लेने गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आने वाले हैं और जहाँ पे हम आए हैं वहाँ पे मुझे जगह याद है, वहाँ पे साक्षी दीदी होता मुझे स्वीट्स खिलाने गए थे। बहुत खुश है ये और फाइनली आ गए। बहुत लंबा सफ़र था तो हम लोगों की बस बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी इस समय, तो अभी स्वीट्स लेके आते हैं और फिर चलते हैं घर। तो गाइज फाइनली लगभग 7 से 7.5 घंटे के बाद हम लोग आखिरकार घर आ गए हैं। तो ये देखिए मैं घर में एंट्री कर चुकी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद घर आए हैं। लॉकडाउन जब से हुआ है तब से हम घर नहीं आ पाए थे और बस की वजह से, तो इसीलिए हम लोग ने कार ली थी ताकि हम लोग घर जरूर आएं और घर वालों से मिलें। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरी सासू माँ जो कि हमारी नई कार का पूजन कर रही है। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारी खुशी में हमारे बड़े भी शामिल होते हैं और खुश होते हैं, तो सच में दिल को बहुत ही अच्छा लगता है। और सब लोग कार को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तासु घर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहाँ पर वो अकेली होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और घर पहुँच के गर्मा गर्म चाय मिल गई थी तो चाय देखते ही ना रास्ते की जो भी मेरी थकान थी ना वो सारी उतर गई। चाय इतनी ज़्यादा अच्छी वह लग रही थी उस समय कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो मैं चाय को एंजॉय करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग को देखने के बाद ये ब्लॉग आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप जल्दी से इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।